हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका हमारे चैनल मिश्रा फार्मासिस्ट पे। दोस्तों, आज हम फिर एक ट्यूब के बारे में जानकारी देने के लिए इस वीडियो को बनाया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप डाइक्लोफेनेक जो जेल होता है उसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे, क्या इसके यूज होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कब कैसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, ये जो हमारे पास ट्यूब दिख रहा है, ये आपको ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो मिलता है, जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है वो है, और इसके जो बहुत सारे जो मतलब ब्रांड होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। जैसे कि ये बहुत सारे ब्रांड आपको आपके मार्केट में मिल जाएंगे, बट ये जो हमारे पास डाइक्लोफेनेक जेल ये जो है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री एकदम मिलता है। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें, मतलब प्राइस की बात करें, तो ये हॉस्पिटल्स में जो सरकारी अस्पतालों में तो फ्री में मिल जाता है, बट जो इसकी बाहर कीमत होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, महंगी होती है। तो अगर आपको ये आपके अस्पताल वगैरह में, हॉस्पिटल्स सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल है, आपको मिल भी जा रहा है, तो आपको इसके मतलब कि बेकार नहीं समझना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। इसका बाहर का प्राइस लगभग 70-80 रुपये से स्टार्ट होता है, वो भी 150-150 रुपये तक जाता है। डाइक्लोफेनेक जो जेल है, अगर हम इसके यूज़ के बारे में बात करें, दोस्तों सबसे पहले एक ज़रूरी बात यह कहना चाहेंगे, अगर आप किसी भी मेडिसिन का मतलब जानकारी जानते हैं तो वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मेडिसिन की नॉलेज आजकल ज़माने में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसका इस्तेमाल हमारे कहने पे कीजिए, आप किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी मेडिसिन का, तो उसके बारे में जानकारी तो जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी मेडिसिन का यूज़ करने जा रहे हैं तो उसका एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, और मेडिसिन के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल ज़माने में बहुत ही बिजी पर्सन हो गया है, और आदमी कोई भी डॉक्टर किसी भी तरह के, जैसे डॉक्टर हुआ या कहीं भी आप स्टोर वगैरह पे गए तो आपने दवाई मांगी कुछ और गलती से दूसरी मिल गई, तो अगर आपको जानकारी है, नॉलेज है, तो उसके बारे में आप जान सकते हैं कि हाँ ये दवाई मेरी नहीं है या ये मेरे काम की नहीं है, तो आप तुरंत ही जान सकते हैं। दोस्तों, इसके फ़ायदे के बारे में बात करें तो जोड़ों में पेन हो गया, जैसे जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, घुटनों वगैरह में कहीं पे हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, अगर वहाँ पे ये अप्लाई किया जाता है तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। घुटनों में दर्द हो गया, और जैसे जॉइंट पेन वगैरह जो हो रहता है, कमर में दर्द और किनारे जैसे कोहनी वगैरह में दर्द रहता है, उस जगह पर अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ज़्यादा अच्छा मस्त, जैसे इसके पीछे लिखा भी होता है फॉर मसल्स एंड जॉइंट पेन स्ट्रेन स्प्रेन स्वेलिंग स्वेलिंग वगैरह, मतलब सूजन वगैरह है, जॉइंट पेन है, स्ट्रेन है, और मसल्स पेन है, जो हड्डियों का दर्द होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद ये डाइक्लोफेनेक जेल होता है। दोस्तों, इसके काफ़ी सारे ब्रांड जो ब्रांड होते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप ले भी सकते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास जो है सरकारी अस्पताल का जो डाइक्लोफेनेक जेल है वो है। तो दोस्तों, ये थे इसके बहुत सारे यूज़, मतलब किसी भी तरह का जॉइंट पेन वगैरह, हड्डियों का दर्द किसी भी तरह का है, तो उसमें अगर अप्लाई किया जाता है तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। और दोस्तों, अगर साइड इफ़ेक्ट इसके जानना तो बहुत ही ज़रूरी होता है, किसी भी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट जानना बहुत ही ज़रूरी होते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट की अगर इसके बात करें तो नन्हे नन्हे से दाने पड़ सकते हैं, चकत्ते वगैरह पड़ सकते हैं, और स्किन रेडनेस हो सकती है। तो किसी भी मेडिसिन का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास कोई आपका जो जानने वाने वाला डॉक्टर है तो उससे एक बार सलाह ज़रूर ले लें, तभी इसका इस्तेमाल कीजिए। जानकारी सिर्फ आपको मेडिसिन के बारे में, मतलब मेडिसिन की जानकारी देने के लिए ये वीडियो का पर्पस होता है कि जानकारी पहुँचे लोगों तक। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही, थैंक यू।